नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री बथरिया। नजर डालेंगे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की तमाम अहम खबरों पर। संसद के विशेष सत्र पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन को पता नहीं और क्या क्या विषय बताए थे, लेकिन इनके एजेंडे में तो ऐसा कुछ नहीं था। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं भी मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला, क्योंकि मैं उस कार्यक्रम के बाद बीच में आ गया था। कल ब्राह्मण समाज का सम्मेलन था बिलासपुर, तो पूरे कार्यक्रम में मैं नहीं था, बीच में छुट्टी लेके निकल आया था। और 2 एकड़ जमीन दिया गया ब्राह्मण समाज को, तो बड़ा सम्मेलन किया गया और उसमें मुझे आना हुआ था। सर, पार्लियामेंट सेशन कहाँ से चालू होने वाला है, स्पेशल पार्लियामेंट सेशन? तो उसमें तो कह रहे थे कि वन नेशन वन इलेक्शन और पता नहीं क्या क्या सारे सब्जेक्ट बताए थे, लेकिन एजेंडा में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। अभी भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता आ रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं, वहाँ भीड़ नहीं हो रही है, तो फिर बचत की बात छोड़ दीजिए। कल सावंत जी आए थे, कल और कोई आएंगे, लगातार अभी आना ही होगा। सर, भिलाई में एक युवक की हत्या हुई है, उस पर बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है और कह रही है कि पाकिस्तान मुर्दा कहे मुर्दाबाद कहने पर जो है युवक की हत्या हो रही है। वो कह रहे हैं कि बीरनपुर जैसी स्थिति, ये इसको जबरदस्ती धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। पिक्चर देख रहे थे, उसमें जो बातें हुई और उसमें एक युवक की हत्या हुई, दुर्भाग्यजनक है। और जो आरोपी हैं अब वो सब पकड़े गए हैं, उसके बाद भी राजनीति कर जाती है, तो बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं है। तो इसी प्रकार की घटनाओं को वो सरोज पांडे अलग पहुंच रही है, प्रेम प्रकाश पांडे अलग और वो अलग जो है, अब स्वार्थ के लिए सब इकट्ठा हो रहे हैं, अन्यथा तो कभी एक दूसरे के चेहरा देखना पसंद नहीं करते। ठीक है, 25 तारीख को राहुल गांधी आ रहे थे, 28 तारीख को खड़गे जी आ रहे हैं, 21 तारीख को प्रियंका जी आएंगे भिलाई, और 28 तारीख को खड़गे साहब आएंगे। और राहुल जी का 25 संभावित था, वो थोड़ा सा कोई और कार्यक्रम आ गया। तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के तट पर स्थित ओंकार पर्वत के 28 एकड़ के क्षेत्र में एकाताम धाम का निर्माण किया जा रहा है। 2000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस एकाताम धाम में जगतगुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची अष्ट धातु से निर्मित प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जिसे स्टैचू ऑफ वेनिस कहा जाएगा। इसके अतिरिक्त अध्यात्म केंद्र, अद्वैत वेदांत केंद्र और नर्मदा विहार आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहेंगे, जिसका 21 सितंबर को ओंकारेश्वर में नरेंद्र मोदी अनावरण करेंगे। इसी को लेकर एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्टैच्यू ऑफ वेनिस के अनावरण कार्यक्रम की तैयारी के संबंध में बैठक ली। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के तट पर स्थित ओंकार पर्वत के 28 एकड़ के क्षेत्र में एकात्म धाम का निर्माण किया जा रहा है। 2000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस एकात्म धाम में जगतगुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची अष्ट धातु से निर्मित प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा, वहीं जिसे स्टैचू ऑफ वेनिस कहा जाएगा। इसके अतिरिक्त अध्यात्म केंद्र, अद्वैत वेदांत केंद्र एवं नर्मदा विहार आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहेंगे, जिसका 21 सितंबर को ओंकारेश्वर में नरेंद्र मोदी अनावरण करेंगे। इसी को लेकर एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक ली। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में 18 सितंबर को परिवर्तन यात्रा के तहत प्रेस वार्ता हुई, जिसमें परिवर्तन यात्रा प्रभारी शिव रत्न शर्मा, पूर्व मंत्री केदार कश्यप और महेश गागड़ा ने परिवर्तन यात्रा को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकालते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में लूट, डकैती, अनाचार, नशे के कारोबार, हत्या समेत कई अपराध हो रहे हैं।
वहीं शिवरतन शर्मा ने भूपेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी पार्टी है, कांग्रेस जब से सत्ता में आई है लोगों को ठगा जा रहा है। ये सरकार काल नेमी की सरकार है और सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाएगी सरकार। आज धर्मनगरी डोंगरगढ़ की क्या स्थिति, अवैध शराब बिक रही कि नहीं बिक रही आप सब जानते हैं। अवैध शराब बेचने वालों को संरक्षण किसका है? जुआ, सट्टा, ये सब कुछ हो रहा है। और करप्शन की स्थिति तो ये है कि 1,40,00,000 की सड़क बनती है और सड़क में क्या करप्शन हुआ है वो मैं तो अपने कार्यकर्ताओं से सुना हूं, हम लोगों ने तो अपने कार्यकर्ताओं से सुना है। आप लोग स्वयं इस बात को ज्यादा अच्छे ढंग से समझते हैं। विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना जो सेंट्रल की आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों और नेताओं की सक्रियता बढ़ गई है। इसी के साथ ही प्रदेश के दोनों प्रमुख बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में नेताओं की अदला बदली शुरू हो गई है। नेताओं को टिकट लेने के लिए जो रास्ता आसान लगता है नेता उसी रास्ते पर चलने लगते हैं, लेकिन जनता इस बात को समझ चुकी है और इसका विरोध भी अब होने लगा है, जिसका एक उदाहरण बालाघाट जिले के कटंगी विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिला। बता दें पिछले महीने कटंगी विधानसभा से बीजेपी की ओर से पूर्व सांसद बौद्ध सिंह भगत नाम का उछला था, किंतु कुछ समय बाद बौद्ध सिंह भगत को ये एहसास हुआ कि उनको कटंगी विस से ही टिकट नहीं मिलने वाली, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का निर्णय ले लिया और अब बीजेपी में टिकट ना दिए जाने के कारण अब कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेंगे। और 20 तारीख को भोपाल में 11 बजे माननीय प्रदेश प्रभारी सुरजेवाला जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी, उनके समक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो बैठक है उस दिन 11 बजे हम कांग्रेस में प्रवेश ले रहे हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में आज प्रदेश वार्ता हमने बुलाई है। कांग्रेस की रीति नीतियों पे हमें विश्वास है और कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व भरोसा करते हुए मैं कांग्रेस में प्रवेश ले रहा हूँ। तो फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में श्रम और नियोजन सम्मेलन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में श्रमिक सम्मेलन का उद्देश्य शासन के योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ सभी संगठित और असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों को तक पहुँचाना है। सम्मान समारोह में 1900 के हितग्राहियों को 90,00,000 और कुल हितग्राहियों को राशि का चेक वितरण किया गया, जिसमें गृह मंत्री रामध्वज साहू मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। सरकार है उसके द्वारा 3 श्रमिक अलग अलग विभागों के द्वारा संचालित की जा रही है और इनके द्वारा जो अधिकार श्रमिकों के हैं उनकी जानकारी आज दी गई, उनके जो कर्तव्य हैं उनकी जानकारी दी गई, सरकार के द्वारा जो सुविधाएं उनको दी जाती है उनकी जानकारी दी गई और सांकेतिक रूप से कोई साइकिल वितरण का, रिक्शा का, ई रिक्शा का,
स्वास्थ्य योजना का उनको सांकेतिक रूप से वितरण किया गया, बाकी के तो सीधे हितग्राही के खाते में राशि वितरित की जाती है ताकि किसी भी प्रकार की कमीशनखोरी या भ्रष्टाचार की बात ना आए। केशव बंटी हरमुख को श्रम कल्याण मंडल का उपाध्यक्ष बनाया गया है माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के द्वारा। उनके द्वारा बहुत कम समय में आज गरिमा में सफल और अच्छा कार्यक्रम, उन्होंने श्रमिकों के जितनी भी योजनाएं बहुत लंबे समय से पेंडिंग भी रही थी उन सारी योजनाओं को भी लगभग 1300 साइकिल यानी एक बड़ा संख्या है, वैसे ही बहुत सारे छात्रवृत्ति से लेकर नोनी सशक्तिकरण की बात हो, महतारी जतन की बात हो और भी बहुत सारी सिलाई मशीन की बात हो, ये सारी चीज़ें जो थी वो आज हम लोगों ने केवल मात्र दुर्ग जिले के हमारे श्रमिकों को आज यहाँ पर वितरित किया है। और ये सांकेतिक रूप से आप लोगों ने देखा होगा वितरण हुआ है, ये सीधा सीधा श्रमिकों के खाते में राशि अंतरित की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार का कोई टीका टिप्पणी की बात ना हो, कहीं पर भी कोई छीटाकसी की कोई बात ना रहे। मंत्री जी ने 66 योजनाओं की बात की मजदूरों के लिए, क्या लगता है कितने प्रचार प्रसार की जरूरत है? नहीं, प्रचार प्रसार में तो मेरा शुरू से मानना है कि आज भी हम लोगों को बहुत काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि 66 योजनाओं की जानकारी मजदूरों को तो छोड़िए जो मजदूरों को नेतृत्व कर रहे हैं उनको तक भी पूरी जानकारी नहीं है, प्रचार प्रसार की बहुत अधिक आवश्यकता है। और आज जो इस तरीके से कार्यक्रम हो रहे हैं एक तरीके से ये माध्यम ही है मजदूरों को अवेयर करने का, उनको जागरूक करने का कि आपके अधिकार हैं और आप इस अधिकार के लिए सजग हुई। खबर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से है जहां नारायणपुर पुलिस ने तत्वाधान में खेल उत्सव फुटबॉल प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया, जिसमें पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा की विशेष पहल से क्षेत्र के युवाओं में सकारात्मक सोच और खेल भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिले के नारायणपुर, बेनूर, छोटे डोंगर, सोनपुर और केकड़ा झोर में फुटबॉल प्रतियोगिता का लीग मैच आयोजित किया गया। इस मैच में विजेता और उप विजेताओं को पुरस्कार के रूप में विजेता कप मेडल और 31,000 रुपए नकद दिए गए। इस प्रतियोगिता में 115 से अधिक मैच आयोजित किए गए जिसमें करीब 1500 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और आयोजन में सराहनीय योगदान देने वाले वॉलंटियर को भी पुरस्कार प्रदान किया गया। अधीक्षक श्री पुष्कर शर्मा सर के नेतृत्व में जिला नारायणपुर में सामुदायिक पुलिसिंग अंतर्गत खेल उत्सव 2023 फुटबॉल प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया है। ज्ञात हो कि पूर्व में 1 सितंबर से 12 सितंबर तक के मध्य जिला नारायणपुर में अनुभाग स्तर पर नारायणपुर, बैनूर, छोटे डोंगर, सोनपुर और कुकड़ाझोर क्षेत्र में जो है फुटबॉल का लीग मैच आयोजित किया गया था और इस लीग मैच में जो है विजेता और उपविजेता टीमों को जो है जिला मुख्यालय नारायणपुर में 14 सितंबर से 16 सितंबर तक के मध्य जो है क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल का मैच जो है खेला गया और इसके अंतर्गत जो है आज 17 सितंबर को जो है प्रतियोगिता का फाइनल मैच ग्राम बड़े जमरी और कोचवाही के मध्य खेला गया और इस प्रतियोगिता में बड़े जमरी की जो टीम है उसने कोचवाही को हरा कर जो है प्रतियोगिता में प्रथम स्थान अर्जित किया है और इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान बड़े जमरी, द्वितीय स्थान क्रोचवाही और तृतीय स्थान ओरछा की टीम ने जो है हासिल किया है और इस प्रतियोगिता में जो है जिले की कुल 110 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था जिसमें कुल जो है 115 से अधिक मैच खेला गया और इस प्रतियोगिता में जो है 1500 से अधिक प्रतिभागियों ने जो है पार्टिसिपेट किया था और इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य जो है क्षेत्र में खेल भावना का विकास करना और युवाओं में सकारात्मक सोच को विकसित करना है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के ग्राम ताड़मेटला में हुए फर्जी मुठभेड़ में दो निर्दोष आदिवासियों की मौत हो गई है। मामले को लेकर आज सर्व आदिवासी समाज ने आदिवासी भवन से एसडीएम कार्यालय तक रैली निकाली और मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कोंडागांव सर्व समाज जिला अध्यक्ष बंगाराम सोड़ी सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे। सर्व आदिवासी समाज जिला अध्यक्ष बंगाराम सोड़ी ने कहा कि ताड़मेटला में सुरक्षा बलों द्वारा दो आदिवासियों को नक्सली बताते हुए फर्जी मुठभेड़ में मार दिया गया था।
हम चाहते हैं कि मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए, साथ ही मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा राशि और परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी सरकार प्रदान करे। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन होगा। पुलिस प्रशासन ले गई, पुलिस के जवानों ने लिया ले जाया गया और गांव वालों को छूने तक नहीं दिया गया, वो जलाए और ये जो है गांव वाले वहां देखते रह गए, चिल्ला चिल्ला के देख के तरस के। आगे की रणनीति क्या है? आज आवेदन दिया क्या? आगे की रणनीति, अगर उनको न्याय नहीं मिलेगी तो 15 दिन अंदर अगर कार्रवाई नहीं हुआ, उनको जो है दोषियों को कार्रवाई हो दोषियों के ऊपर और उन पीड़ित परिवार को 1 करोड़ की मुआवजा मिले और उस परिवार को एक कम से कम सरकारी नौकरी 1 को मिले, ऐसा मांग है अपने सर्वाधिवास संभाग का। और इसमें अगर कार्रवाई नहीं होता है 15 दिन के अंदर तो आगे उग्र आंदोलन करने की भी रणनीति बनाई जाए। तो फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश में चुनाव नजदीक है जिसको लेकर बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। बीजेपी ने वोटरों को साधने के लिए छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की है। परिवर्तन यात्रा जशपुर से होकर कांग्रेस के गढ़ सीतापुर पहुंची है, जिसे प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का गढ़ माना जाता है। यहां पर बीजेपी के आधा दर्जन से अधिक दिग्गज नेताओं ने एक जनसभा को संबोधित किया। संबोधन के बाद बीजेपी की परिवर्तन यात्रा लुंड्रा विधानसभा के रघुनाथपुर पहुंची, जहां पर बीजेपी से प्रत्याशी प्रबोध मिंज के लिए प्रचार कर लोगों ने उनके पक्ष में वोट देने की अपील की। देखिए 15 तारीख से सभी साथियों से मेरा अनुरोध है, कुमार दिलीप सिंह जुदेव की जन्मभूमि खुड़िया माता का आशीर्वाद लेकर के भारतीय जनता पार्टी के ये परिवर्तन यात्रा जशपुर से प्रारंभ हुई है और जहां जहां से हमारी यात्रा गुजर रही है आम लोगों का स्नेह आशीर्वाद प्यार हम सब लोगों को प्राप्त हो रहा है। आज आप देख रहे हैं हम 5 घंटे विलंब से पहुंचे, उसके बाद भी लोग इंतजार कर रहे हैं और यही परिवर्तन का संकेत। लोगों में उत्साह है, लोगों में ये बात का जज्बा है कि आने वाले समय में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और भूपेश सरकार की विदाई करेंगे। ये भूपेश की सरकार, कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ की दिशा विहीन हो गई है, ये सरकार अपने पद से विमुख हो गई है। इस सरकार में अन्याय और अत्याचार बढ़ गया है, करप्शन बढ़ गया है, कमीशन बढ़ गया है, छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ के रूप में परिवर्तित हो गया है और इसलिए लोग इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, इससे निजात पाना चाहते हैं और भाजपा की सरकार बनाना चाहते हैं, यही परिवर्तन यात्रा का उद्देश्य है। हम जिले के कसडौल थाना में पदस्थ पुलिस कर्मियों पर लगातार पैसे लेने का आरोप लग रहा है। इसके अलावा पीड़ित संवेदनशील SSP दीपक झा के पास शिकायत भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि अब कसडौल पुलिस के 2 सिपाहियों के ऊपर पैसे लेकर भी मामला कायम करने की शिकायत की गई है। दरअसल पीड़ित कंचराम देवदास ने बताया कि विगत 14 मई को उनके घर में जन्मोत्सव का कार्यक्रम हो रहा था। इस दौरान खुशी के मौके पर घर के बाहर से ही सब इकट्ठा हुए थे, इसी पर उसका पुत्र सुदेश प्रसाद देवदास खुशी मनाने के लिए मेहमानों के लिए अंग्रेजी शराब दुकान से लेकर आ रहा था। इसी बीच थाने में पूर्व पदस्थ आरक्षक अनुराग कोसरिया और शैलेंद्र बंजारे दोनों पुलिसकर्मी मेरे बेटे को रोककर गाली गलौज करने लगे, उसे डरा धमका कर जेल भेज देंगे, उसे यह भी कहा, साथ ही उसके पैसे लेने की उगाही भी की गई। सर मेरे यहाँ 14 मई का 6वां जन्म उत्सव नाम से लड़का को 9-10 बजे ठाकुर जिया भेजा था, लड़का को पकड़ लिया था
और 10 पौवा गोवा था और रास्ते में बहुत तंग तूफान मार पीट के लगाया नौबत, तो लड़का मुझे फ़ोन करके बुलाया था, तो मैं 10,000 जेब में रखा था तो पुलिस वाले नहीं माना, तो फिर गया मेरे दोस्त के पास फ़ोन करके फिर मंगा घर में और फिर आया तो 20,000 देने के बाद में फिर भी नहीं माना। फिर और था फिर सर मोर दमान है ना मोबाइल में 20,000 मोबाइल पे करे लवन वाला साहू के पास। दो झने तीन झन रही सर वो मन, एक झन तो चल दे रही से, अब दो झन मैं जाना था। का नाम रही उमन के? उमन के नाम कुसरिया, अनुराग कुसरिया। अभी काज तो साहब पैसा लेने के बाद में तो चलान पेश कर दीस ना मोर लड़का ला, पता नहीं रही सर मतलब वो चलान पेश कागज वाला है ये सितंबर में फोन करके बताई से हम बोला चाहत हन पैसा ले के बाद में केस काबर करी सर, पैसा हम दे हन तक मतलब लाइका ला बाइज्जत बरित। इसमें एक शिकायत पहले भी शैलेंद्र बंजारे के खिलाफ प्राप्त हुई थी जिसमें कि आरक्षक शैलेंद्र बंजारे के द्वारा किसी शराब के प्रकरण में पैसा लेन देन की शिकायत हुई थी, उसमें जाँच आदेशित किया गया, आज पुनः एक शिकायत उसी आरक्षक के विरुद्ध में दिया गया है और उसमें गांव के कई लोगों के द्वारा दिया गया है, उसमें भी जांच करवाई जा रही है, वो भी शराब से अवैध शराब बिक्री में इनके द्वारा सहयोग किया जाता था और उसके संबंध में उसके एवज में लेन देन किया जाता था ऐसी शिकायत है, उसकी भी जाँच की जा रही है चूँकि गंभीर शिकायत है, इसमें अगर जाँच में सत्यता पाई जाएगी तो उसके। तो मेरे साथ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की खबरों में बस इतना ही, तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।